अगर अगर इतनी सी पब्लिक इस जज्बे से और जुनून से अगर वो कह देती गो इमरान गो, तुम्हारे कहने से पहले मैं छोड़ के चला जाता और मैं क्या करता, मेरे में गैरत होती और है, मैं कहता अच्छा अगर आवाम कह रही है गो इमरान गो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ फिर से। खुद वहां पर मौजूद क्राउड को इमरान खान साहब अपने अल्फाज में कह रहे थे, अगर इतनी सी पब्लिक है उनके अपने अल्फाज, इतने से लोग भी कह रहे थे, तो मैं तो घर चला जाता गोनियाजी को कह। अब मौलाना साहब का जो मजमा है वो इतना सा है कितना सा है ये लोग डिसाइड करें, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको मजीद स्पेसिफिक बात भी की। ये वो वक्त है जब खान साहब अपोजिशन में थे, उनकी एक ही सूबे में हुकूमत थी जो कि केपीके में थी। खान साहब ने मजीद स्पेसिफिक बात की केपीके में अपनी हुकूमत के हवाले से इसी आजादी मार्च में, और क्या कहा ये देखें। पख्तूनख्वा की असेंबली हमारी असेंबली है, अगर आज पख्तूनख्वा की आवाम तो छोड़ो सारी असेंबली के ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए और कहे के इलेक्शन में धांधली हुई है, गो तहरीक इंसाफ गो, ये मेरे साथ परवेज खटक खड़े हैं, मैं इनको कहूं परवेज कल इलेक्शन करवाओ, परवेज का इलेक्शन कराओ। आज इंटरेस्टिंग बात है, कौमी असेंबली इमरान खान साहब वजीर आजम और सारी की सारी अपोजिशन ये कह रही है, सही या गलत से खतः नजर ये कह जरूर रही है कि भाई इलेक्शन गलत है, इमरान खान इस्तीफा दो, और इमरान खान साहब खुद जाहिर है वजीर